हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल चटोरी रजनी। आज मेरी किचन ऐसे कभी नहीं दिखी होगी आपको, पूरी उथल पुथल हो रखी है। हम हमारे फ्रेंड्स को डिनर पे बुलाया है, वही जिनके घर हम नाश्ता करने गए थे, याद है आपको, वड़ा पाव और यम्मी मिसल पाव खाने। सो बहुत टाइम हो गया, हमें काफी मन था उन्हें बुलाने का, फाइनली आज हम उन्हें डिनर पे बुला रहे हैं। अब डिनर में क्या बनाऊं, बहुत सिंपल और देसी खाना बना रही हूं मैं, क्योंकि विंटर्स है, इतनी अच्छी सब्जियां आती है कि मन करता है ना कि देसी खाना खिलाओ, मेरा मारवाड़ी खाना, आज मेरा यही मूड था। सो ये देखो, यहाँ पे मैं खोलूंगी, आप देखिए, वाह, ये बन गई है हमारी ग्वार फली की सब्जी। यहाँ पे मैंने सुबह सुबह गट्टे बना लिए थे खूब सारे, और ये चावल मैंने भिगा रखे हैं। सो मैं बनाऊंगी मटर और गट्टे के पुलाव। नहीं, सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ टमाटर के सूप से, मैं आपको दिखाऊं। सो यहाँ मैंने बनाया है टोमेटो सूप, जो मेरे फेवरेट होता है। एक सब्जी मैंने बनाई है चप्पन कद्दू या टिंडो की। अगर आपको ये लगेगा, ये हर एक को ये चप्पन कद्दू या टिंडे क्यों खिलाती है, क्योंकि लोगों को लगता है ना ये सब सब्जियां बोरिंग है, तो मैं टिंडे अभी तो सीजन में है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि बनाऊं चाहे थोड़े से, ताकि सबको पता चले हाय कितनी टेस्टी ये सब्जी है। दूसरी सब्जी मैंने बना ली ग्वार फली की। तीसरी सब्जी आलू मटर की बना रही हूँ, एक सेफ गेम के, अगर किसी को ये सब पसंद आया तो एटलीस्ट आलू मटर तो शो बचा ले। और पुलाव है गट्टे और मटर के पुलाव। रोटी हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके, उन्होंने कहा था हम कुछ बनाएंगे, तो क्योंकि उनके पास एक हेल्पर है किचन में जो खाना बनाती है, तो वो रोटियां बना के लाएंगे। और स्टार्टर अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। सो मिलते हैं थोड़ी देर में, देखते देखते मैं क्या बनाऊँगी। देख सक रहे हैं कैसे मैंने पूरा बिखेरा कर रखा है घर का। चलूँ मैं किचन में, बहुत। सो सूप तैयार हो गया है, सब्जियां तैयार हो गई है, चावल उबल गए हैं, अभी मैं बस चावल को रेडी करने वाली हूँ। इन द मीन टाइम मैं यहाँ पे कड़ी बना रही हूँ। सोचे कि जब भी गेस्ट बुलाते हैं कड़ी क्यों बना रही है। मौसम देखो ना, आज धड़ाधड़ बारिश हो रही है, ठंड है, और कड़ी तो मजा आ ही जाता है। तो मैं प्याज वाली कड़ी बना रही हूँ आज। ये गोल 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 प्याज है, और काम जब होता है ना तभी सारी दिक्कत आती है। मेरी मिक्सी कल अचानक बंद हो गई, चल ही नहीं रही है। लकीली छोटी मिक्सी थी तो काम हो रहा था, ब्लेंडर है तो काम हो रहा है। अब कड़ी बनाएंगे हम। सो फाइनली सारा काम हो गया है, और आज मुझे अच्छे से याद आ गया है कि गेस्ट आए उसके पहले मुझे आप लोगों को दिखा देना है कि भैया आज मैंने क्या क्या किया है। सो ये आते ही उनके लिए टमाटर का सूप, और यहाँ पे मैंने भुट्टा, सॉरी, ये मैंने भुट्टा छील के रखा है, तो हम भुट्टा सेकेंगे। और ज्यादा कुछ नहीं किया है स्टार्टर में, मेन कोर्स में ये मेरी छोटे वाले प्याज की कड़ी, ये है आलू टमाटर की सब्जी। यहाँ पे हमने लंच में खाई थी गोभी के कोफ्ते, मेरे हस्बैंड चाहते हैं हम उन्हें ये जरूर टेस्ट कराएं, तो थोड़ी सी गोभी के कोफ्ते की सब्जी, ग्वार फली की सब्जी, ये है टिंडे मेरे फेवरेट, ये है मिर्ची का, मिर्ची की सब्जी है ये, टिपोरे नहीं सब्जी, करेले, गाजर का हलवा, गट्टे के और मटर के पुलाव, और ये तीन चार तरह के साइड्स में, ये है लाल मिर्च जो मोटी वाली नहीं आती उसकी चटनी, आंवले की चटनी, लहसुन की चटनी, और ये मेरे घर का मिक्स वेज अचार जो मैंने बनाया था इंस्टेंट। सो ये था मेरा आज का डिनर की तैयारी। रोटी मेरी फ्रेंड बना के लेके आएंगी, तो मैंने फटाफट फटाफट सारा काम कर दिया। अब क्या बचा है, धनिये को धोना है बढ़िया से, बारीक काटना है बस, और प्याज है ना उसके लच्छे गोल 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 पतले पतले प्याज काटने हैं, नींबू सेंधा नमक डाल के मस्त मसालेदार प्याज बनाने हैं। कैसा लगा आपको मेरा ये देसी खाना आज डिनर का, बताना जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चटोरी रजनी। बाय बाय।